यहाँ एक येलो कलर की कुर्ती है जिसके ऊपर काफी अच्छा सा वर्क हो रखा है। साथ कुर्ती पहनने के बाद में कितनी ज्यादा ग्रेसफुल, और हम अच्छी इसमें लग, स्लीव्स लगाएंगे और इसकी स्लीव्स में थोड़ा सा कुछ डिजाइनर एलिमेंट देंगे जिसकी वजह से ये और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो देखिए ये इसका शेप है, तो हम स्लीव्स वहां से कट करेंगे जहां से ये लाइन जा तो रही है। देखिए ये जो हमने फैब्रिक इसमें से कट करा था वो हमारे पास में 4 लेयर में फैब्रिक आया था, हमें इसमें एक फैब्रिक अटैच करना होगा जो कि होगा ये वाला फैब्रिक। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्लीव्स कुछ इस तरह से आ रही हैं। ये देखिए आप ये देख दोनों सकते हैं कि स्लीव्स, इसकी दोनों स्लीव्स इसमें अटैच हो चुकी हैं जो कि। हेलो एवरीवन, मैं हूं और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक येलो कलर की कुर्ती है जिसके ऊपर काफी अच्छा सा वर्क हो रखा है, साथ ही साथ ये रियोन फैब्रिक की है, इसके ऊपर प्रिंट भी हो रखा है और व्हाइट कलर का, और ये अबासा की कुर्ती है। ये कुर्ती मैंने नायका फैशन से परचेस करी थी आज से 2-2.5 साल पहले। ये एक कट स्लीव कुर्ती है और जो ट्राइंगल शेप वाली कुर्ती अभी इस समय जो इन ट्रेंड थी, ये इस तरह से फ्लेयर आते आते हैं और ये नीचे इस तरह से इसका घेरा आ जाता है, अच्छा खासा घेरा है इसमें। बाकी आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं ये कुर्ती पहनने के बाद में कितनी ज्यादा ग्रेसफुल और अच्छी लगती है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के कपड़े हैं जिन्हें आप हटाना नहीं चाहते, डिस्कार्ड नहीं करना चाहते और पहनते हुए हो गए हैं आप उसे बोर, बट वो आपको फिर भी अच्छा लगता है, तो हम उसमें कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे कि इसको अभी मैंने काफी टाइम से कट स्लीव पहन लिया है, अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे और इसके स्लीव में थोड़ा सा कुछ डिजाइनर एलिमेंट देंगे जिसकी वजह से ये और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। वैसे तो इसके साथ में इसकी ये छोटी छोटी सी स्लीव्स आई थी, बट ये स्लीव्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं लगाने वाली हूँ। तो देखिए ये इसका शेप है। अब जो हम इसकी स्लीव कट करने वाले हैं वो हम इसके कॉर्नर वाले पार्ट से कट करेंगे, तो हम स्लीव्स वहां से कट करेंगे जहां से ये लाइन जा रही है। सो देखिए आप, ये इस तरह से था पूरा का पूरा घेरा इसका, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे इसे हम फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल मिलाकर रखेंगे और यहाँ से ये कट होगी और इसकी ये 4 लेयर आ जाएगी हमारे हाथ में। ओके, तो पहले हम मेजर कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा आर्म होल कितना आ रहा है, मतलब आपके साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें बाइसेप्स 8 चाहिए हैं, तो हम इसकी चारों लेयर्स को अच्छे से एकदम से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। सो देखिए ये हम यहाँ पे इसकी कटिंग करके इसको हमने अलग कर दिया है, ये हमारी दोनों स्लीव हो गई है। ओके, थोड़ा सा नॉर्मल घेरा हो गया इसका, तो हम इसको वापस से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसमें जो ये लगे हुए हैं लटकन, ये इस तरह के जो थ्रेड्स वाले लटकन लगे हुए हैं, उसको हम वापस से चारों कोने पे फिर से अटैच कर देंगे। ये हमने इस कुर्ती को जो बॉटम से कट करा था वो हमने इसका पूरा फुल फ्लेयर स्टिच कर दिया है। आप देख सकते हैं पहले ये टेबल के ऊपर प्रॉपर आ भी नहीं रहा था, बट अब ये अच्छे से सेट हो गया है, इसका घेरा थोड़ा कम हो गया है, उसको हमने पूरा स्टिच कर लिया है। जो इसके टासल्स निकाले थे वो भी वापस से हमने टासल्स इसमें एज इट इज लगा दिए हैं और अभी इसका घेरा थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है। तो देखिए ये जो हमने फैब्रिक इसमें से कट करा था वो हमारे पास में 4 लेयर में फैब्रिक आया था, तो हमने उसकी सारी सिलाइयां खोलकर और उसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो पहले हम मेजरमेंट चेक कर लेंगे एक बारी फिर से, बाइसेप्स होते हैं हमारे, उसके हिसाब से हमें स्लीव्स कट करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 9 इंच लिया है क्योंकि ऊपर कुछ डिजाइनिंग वगैरह करनी होगी तो उसकी स्टिचिंग के लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए रहेगा। सो देखिए ये वो फैब्रिक है स्लीव्स का जो कि इसके साथ में अटैचमेंट में आई हुई स्लीव्स थी, जो कि मैंने इनका यूज नहीं करा है। तो अब हमें स्लीव का पैटर्न कैसे बनाना है पहले हम वो समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे 14.5 पे, देन हम इस स्लीव को यहाँ तक ओपन रखेंगे, यानी कि नीचे से करीबन 6 इंच की ऊंचाई पे, यहाँ तक ये हमारी स्लीव खुली रहेगी। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें एक फैब्रिक अटैच करना होगा जो कि होगा ये वाला फैब्रिक। ये इस तरह से हम यहाँ पे से अटैच करेंगे, एक पट्टी से लेंगे और उसके चारों तरफ हम कुछ डिजाइन वगैरह लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों पीस एक साथ आ रहे हैं। हमने यहाँ से लेंथ ली 14.5, तो यहाँ पे एक हम मार्क कर देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बाकी स्लीव की कटिंग और ड्राफ्टिंग का फुल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं स्लीव किस तरह से अटैच की जाती है। इनफैक्ट अगर आपके आर्म होल में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको आर्म होल जोड़ने में या छोटा बड़ा हो रहा है, तो उसकी भी एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सो देखिए अभी यहाँ पे जब हम इसे स्टिच करेंगे तो इतना ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और ऊपर जो भी फैब्रिक आएगा तो वो लगभग हमारा 1 से 1.5 इंच का आएगा, तो हमारा यहाँ पे 8 इंच का यहाँ पे आएगा हमारा बाइसेप्स। तो हम यहाँ से पहले 3 इंच डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद में इसको हम इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से ये कर्व देते हुए हम इस स्लीव को कट कर लेंगे और जो भी हमारा यहाँ पे बॉटम पे राउंड आ रहा होगा, क्योंकि ये हमें ओपन रखनी है तो यहाँ पे हम ज्यादा लूज नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा टाइट ही रखेंगे और इसके साथ में इसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो हमारी स्लीव ये बिल्कुल ड्रॉ हो चुकी है, अब हम इसे कटिंग कर अलग हटा लेते हैं।
इस तरह से हम इसे कटिंग करके हमने अलग हटा दिया। हम पहले यहाँ पे इसमें कपड़ा अटैच करेंगे यहाँ से यहाँ तक, देन हम इसकी फिर फाइनल कटिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्लीव्स कुछ इस तरह से आ रही हैं। ये देखिए ये दोनों स्लीव्स रखी हुई हैं, इनमें थोड़ी सी अभी अपन को फिनिशिंग करनी होगी तो वो हम कर लेते हैं। देन आप देख सकते हैं कि मैंने ना इसमें कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, कुछ नहीं यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी गैदर्स डाल दी थी इस पट्टी में, और उन गैदर्स वाली जो गैदर्स के लिए हमने स्टिच डाली थी 5 नंबर वाली, उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक टक का पैटर्न क्रिएट कर दिया, पिन टक का पैटर्न क्रिएट कर दिया है। तो ये थोड़ी सी देखने में अच्छी लग रही है। यहाँ पे ये इस तरह से इसमें ये ओपन साइड आने वाली है, तो यहाँ पे हम इसमें एक टाई कुछ देंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे जिससे हम इसे टाई कर सकें। तो अभी देख लेते हैं पूरा इस स्लीव का लुक, ये इस तरह से आ रहा है अभी, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको फाइनल लुक देते हैं, इसकी फिनिशिंग करते हैं, देन हम इसे स्टिच करते हैं। ये जो कर्विंग वाला पार्ट है इसको हम फ्रंट में रखने वाले हैं इस तरह से। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब इन दोनों स्लीव्स को हम अपने कुर्ती के आर्म होल में फिट करने वाले हैं, देन हम देखते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। सो अब हम इसमें एक स्लीव को फिट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक स्लीव इसके अंदर फिट हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारी दूसरी स्लीव भी फिट होगी, मैं आपको बता देती हूँ। हमने इसको स्टिच कर लिया इस तरह से, ये हमारी स्टिच हो चुकी है स्लीव, पूरा इसमें स्लीव का शेप आ चुका है। तो इस स्लीव को कनेक्ट करने का थोड़ा पैटर्न अलग होगा, जैसे हम इसका सेंटर यहाँ से लेंगे और ये हमारी स्लीव का सेंटर है, तो ये इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा, ना कि ये ऐसे सिला जाएगा। जो हमारी स्लीव का फ्रंट साइड है उसके ऊपर हमें अपने आर्म होल के फ्रंट साइड को इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखकर सिले जाएंगे, आप समझ लीजिए फिर से ये इस तरह से सिला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको बराबर से धीरे धीरे स्लाइस करनी है। डायरेक्ट स्टिच करूंगी, आप चाहे तो आप इसमें पिन भी अटैच कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों स्लीव्स इसमें अटैच हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लगी हुई है। ये इसकी ओपन वाली साइड है, इसमें भी हमने टाई अटैच नहीं किया है, उसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये देखिए दोनों स्लीव्स कितने अच्छे से अटैच हुई हैं, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों ही कितने फिनिशिंग के साथ में लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमने अलग से इसमें अटैच करी हुई स्लीव्स। सो फ्रेंड्स, इस कुर्ती का फुल ट्राई ऑन आपको वीडियो के एंड में देखने मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और हमें नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिए।